तो मेरे बेटा शीट नंबर 2 की थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी। इनमें कुछ टॉपिक मैं वीडियो से पढ़ा चुका हूं, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड था, ऑप्टिमम स्पीड था। कुछ टॉपिक रह रहे हैं जिसमें हमारा है रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा, और साइक्लिस्ट का केस है। तो आज जो भी इसमें रह रहा है वो मैं करवा दूंगा, और जैसे लेक्चर खत्म होता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं एक वीडियो भेजूंगा, एक या दो वीडियो भेजूंगा जो इसी से रिलेटेड टॉपिक को एनहेंस करेंगे। 15-10 मिनट के दो वीडियो है, देख लेना। तो फिलहाल हमारा पहला टॉपिक कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कारण क्या है, क्यों होता है फ्रिक्शन। तो एक बात सुन मेरे बेटा, जब कोई भी सरफेस परफेक्टली फ्लैट नहीं होता, दो थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। तो पहले मैं बता रहा हूं ओल्ड थ्योरी। पुरानी थ्योरी ये मानती थी कि नो सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट, कोई भी सरफेस दुनिया में पूरी तरह फ्लैट नहीं होता। जिसे आप स्मूथ सरफेस समझते हो ना बेटा, यदि आपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसे रख दिया तो आपको उसमें भी उतार चढ़ाव दिखाई देंगे, जिन्हें बोलते हैं प्रोजेक्शन और डिप्रेशन। उतार चढ़ाव सब जगह है। आपका हाथ आपको लगता है बहुत साफ सुथरा चिकना है, लेकिन सच्चाई यह है यदि माइक्रोस्कोप के नीचे, पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे हाथ रख दिया तो खाना भी नहीं खाने के 2-3 दिन। आपके हाथ में भी पोर्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, और उनके अंदर बॉडी फ्लूइड भरा रहता है, बैक्टीरिया हो जाते हैं। बेटा माइक ऑफ करिए अभी आप। सर एक बच्चे को ले लो। अच्छा फिर एक नहीं दो। बेटा तो आप अपने हाथ को भी माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो प्रोजेक्शन डिप्रेशन दिखाई देंगे। तो पुरानी थ्योरी ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग नो सरफेस इज परफेक्टली फ्लैट, देयर आर प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशन। जहां उठाव होता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, और जहां नीचे झुकता है डिप्रेशन, प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन। Whenever two objects are kept in contact, जब बेटा आप यहाँ दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट में रखते हो तो ये प्रोजेक्शन और डिप्रेशन एक दूसरे में फंस जाते हैं। ओल्ड थ्योरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये राइट है या रॉन्ग है, पुरानी थ्योरी ये कहती है कि प्रोजेक्शन और डिप्रेशन एक दूसरे में फंस जाते हैं और फिर वो मोशन को अपोज करते हैं। मैं अपनी उंगलियों को देखो, उंगलियों को उंगलियों में फंसा दिया। अब मैं हाथ ऊपर ले जाना चाहूं तो भी दिक्कत, नीचे ले जाना चाहूं तो भी दिक्कत। तो इसे जब आप खींचते हो तो क्योंकि ये फंसे हुए हैं एक दूसरे में तो चलने में मुश्किल होगी, इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि बेटा मोशन फ्रिक्शन क्यों होता है, समझ में आ गया ओल्ड थ्योरी के हिसाब से। चाहे इधर खींचो तो भी दिक्कत होगी, उधर खींचो तो भी दिक्कत होगी, कहीं पे भी ले जाना। ये तो थी ओल्ड थ्योरी। न्यू थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, बेटा मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाली थ्योरी हटा दी। आजकल कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन के कारण है। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि हर सरफेस एटम से बना है, ये सरफेस भी एटम से बना है, ये भी एटम से बना है, हर एटम में पॉजिटिव न्यूक्लियस है और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। मैं तो दो ही एटम दिखाऊंगा ऊपर वाले सरफेस में और दो ही एटम दिखाऊंगा नीचे वाले सरफेस में। अब आप गौर से सुनिए होता क्या है। जब आप सरफेसेस को टच करते हो तो एटम्स गेट पोलराइज्ड। अब पोलराइज का क्या मतलब है, पोलराइज का मतलब है कि नीचे वाला न्यूक्लियस ऊपर के एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस को रिपेल। तो इसकी शेप ऐसे हो जाती है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, न्यूक्लियस इधर चला गया, और दूसरे वाले सरफेस में ऐसे हो जाता है कि ये न्यूक्लियस ऊपर आ गया और इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया।
न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा तो पास पास आ गए, न्यूक्लियस ने न्यूक्लियस को रिपेल किया तो दूर दूर चले गए, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले आया, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल कर गया और इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। ये तुरंत हो जाता है, जैसे ही दो चीजें टच होती है एटम्स अपनी शेप बदल लेते हैं, और जब एटम्स अपनी शेप बदल लेते हैं क्या एक एटम, तो जवाब है नहीं, सारे एटम, जितने भी बेटा एटम्स होंगे सबकी शेप बदल जाएगी। इस डीशेपिंग को कहते हैं पोलराइजेशन। बेटा ध्यान से सुनिएगा, और फिर भी दिक्कत आए तो एक बार आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा, और फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब क्या हुआ, एक सरफेस के पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो गए यानी कि नेगेटिव चार्ज। एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन, दूसरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज का कलेक्शन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे मैग्नेट आयरन के ऊपर चिपक जाती है ना मेरे बेटा, जैसे मैग्नेट आयरन के ऊपर चिपकती है ऐसे ही दो सरफेस स्टिक हो जाते हैं, और जब स्टिक हो जाती है दो चीजें तो मूव कराना मुश्किल होता है, फिर वो अपोज करता है मोशन को। कैसे, मैं उदाहरण देता हूं, एक मैग्नेट को वुडन टेबल के ऊपर रखो और हिट करो, मैग्नेट भागी चली जाएगी क्योंकि मैग्नेट वुड के साथ स्टिक नहीं हुई, लेकिन अब उसी मैग्नेट को लोहे के बॉक्स पे रखो, चिपक गई, फिर उस पे उतनी ही ताकत से हिट करो तो हल्का सा खिसक के रुक जाएगी। क्यों रुक गई, रुक गई क्योंकि वो स्टिक हुई हुई थी, मोशन नहीं होने दिया। तो यहां भी यही हुआ, ऊपर का सरफेस नीचे के सरफेस से स्टिक हो गया, तो जब मैं यहां इसे खींचता हूं तो ये आपस में चिपके हुए है, ये जाने नहीं देना चाहता और इसलिए मोशन अपोज होता है। तो ओल्ड थ्योरी के हिसाब से चार्ज का कोई रोल नहीं था, ये सब थ्योरी आपके शीट में प्रिंटेड है। ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्जेस का रोल नहीं होता, बल्कि प्रोजेक्शन और डिप्रेशन एक दूसरे में फंस जाते हैं। और मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स पोलराइज हो जाते हैं, एक सरफेस के पास न्यूक्लियस का कलेक्शन हो जाता है और एक सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन्स का यानी कि प्लस और माइनस चार्ज आमने सामने आ जाते हैं, और जब मेरे बेटा प्लस और माइनस चार्ज आमने सामने आ जाते हैं तो वो स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने के बाद मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर कोई वेटिंग रूम में है, देखता हूँ बेटा, ले लिया, थैंक यू बेटा। तो मेरे बेटा ये आ गई, ओल्ड थ्योरी भी सुन ली, मॉडर्न थ्योरी भी सुन ली, लेकिन आज प्रेजेंट में साइंटिस्ट किसे सही मानते हैं, साइंटिस्ट किसे ठीक मानते हैं, ये सही है या ये सही है? तो जवाब है इन दोनों का मिला हुआ रूप। साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रोजेक्शन डिप्रेशंस भी होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आप प्रूफ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये होते हैं, और एटम्स का पोलराइजेशन भी हो जाता है यानी कि बेटा एक सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन्स की गैदरिंग हो जाती है नेगेटिव चार्ज की, और दूसरे सरफेस के पास न्यूक्लियस की यानी कि बेटा पॉजिटिव चार्ज की गैदरिंग हो जाती है, और ये आपस में चिपक भी जाते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ओल्ड थ्योरी गलत है या न्यू थ्योरी गलत है, दोनों सही है और दोनों का मिला जुला असर होता है। यानी कि बेटा कुछ तो प्रोजेक्शन डिप्रेशन चलने में मुश्किल करता है, और कुछ ये जो चार्जेस का अट्रैक्शन इन्हें चलने में दिक्कत करता है। तो ये तो थी हमारी पहला टॉपिक जो अभी शीट में रह गया था, आज थ्योरी खत्म हो जाएगी, कल न्यूमेरिकल्स होंगे। अब इसके बाद आता है बेटा अगला पॉइंट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। चीजों को खिसकाना आसान है, रोल कराना यानी लुढ़का देना, सॉरी खिसकाना मुश्किल है, लुढ़काना आसान है। मैं आपको एक सिलेंडर दूं और मैं कहूं इस सिलेंडर को खींच करके, वो गैस के सिलेंडर की बात कर रहा हूं, कि इस सिलेंडर को खींच करके घसीटते हुए रसोई तक ले जाओ या सड़क पे घसीटते हुए ले जाओ, तो बड़ी मेहनत पड़ेगी क्योंकि वो फ्रिक्शन ज्यादा होता है, उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
दूसरा फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसमें चीज को जमीन पे लेटा करके, जैसे सिलेंडर को जमीन पे लेटा के लात मार दो, खुद ही लुढ़कता चला जाएगा। और जब वो खुद ही लुढ़कता चला जाएगा तो वहां पर जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो मैंने थ्योरी बताई ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की है, चीजों को एक दूसरे पे खिसकाना। लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बेटा जब ये चीजें एक दूसरे में फंस जाती है, बहुत सारे पॉइंट फंस जाते हैं या फिर प्लस और माइनस अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फ्रिक्शन बहुत हाई होता है। ये फ्रिक्शन कौन सा था? स्लाइडिंग। जब मैं इसे खींचूंगा, अब ऐसा तो है नहीं कि कभी ये चलेगा ही नहीं, जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो प्रोजेक्शन डिप्रेशन अलग हो जाएंगे और ये फिसलने लगेगा इसके ऊपर। लेकिन उस समय का फ्रिक्शन कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन जो कि व्हील्स में होता है, पहियों में होता है। गाड़ी में टायर क्यों लगाए जाते हैं, व्हील्स क्यों लगाए जाते हैं? जिससे वो रोल करे। रोल करते समय की थ्योरी बिल्कुल अलग है। रोलिंग फ्रिक्शन का कारण हमारे साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जब आप किसी टायर को, किसी व्हील को, किसी रिंग को, डिस्क को, किसी भी गोल चीज को, चाहे वो स्फीयर हो, ग्राउंड पर रखते हो, इसे मैंने ग्राउंड पर रख दिया तो व्हील के नीचे एक हल्का सा गड्ढा बन जाता है, एक माइन्यूट सा डिप्रेशन बन जाता है सिर्फ कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। देख यहां पर सड़क का, इसका व्हील का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, यहां पर और यहां पर कोई व्हील का कॉन्टेक्ट नहीं है। जहां कॉन्टेक्ट है वहां रोड के मॉलिक्यूल थोड़ा सा नीचे दब जाते हैं, हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। तुम अच्छा ये सोचो, सड़क भी तो मॉलिक्यूल से ही बनी है। कितना हल्का सा मॉलिक्यूल होता है, कितना छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, यदि उस पर 10 किलो का टायर रखा जाएगा तो मॉलिक्यूल कुछ तो दबेगा, चाहे आपको नेकेड आई से दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो जब आप किसी व्हील को ग्राउंड पर रखते हो तो एक उसके नीचे हल्का सा गड्ढा बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। तो यहां तो बहुत सारे प्रोजेक्शन और डिप्रेशन एक दूसरे में फंस गए थे, यहां पर सिर्फ एक डिप्रेशन है जिसके अंदर व्हील फंस गया है। व्हील का हिस्सा इस डिप्रेशन जो ये नीचे गड्ढा सा बन गया उसमें फंस जाता है। जब आप इसे घुमाने की कोशिश करते हो तो ये प्रोजेक्शन डिप्रेशन यहां तो लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में थे, बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे। यहां पर एक प्रोजेक्शन और एक डिप्रेशन है, निकलने में मुश्किल तो करेंगे लेकिन बहुत कम मुश्किल करते हैं और इसीलिए आसानी से आगे बढ़ जाता है। यहां फ्रिक्शन कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस। रोल करती हुई बॉडी में फ्रिक्शन कम होता है, तभी चीजों को रोल करके ले जाना बहुत आसान होता है। मान लो मैं एक कार के चारों टायर निकाल दूं और आपसे कहूं धक्का देके 2 मीटर ले जाओ, चल दो जने मिलके धक्का दे दो, तो वो जमीन पर रोल नहीं करेगी, वो जमीन पर घिसटेगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तुम्हें बता दिया बहुत हाई फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो उस समय बहुत ज्यादा अपोज किया जाएगा और आपके लिए बहुत इंपॉसिबल सा हो जाएगा उसे खिसकाना। लेकिन जब गाड़ी में टायर लगा दिए, टायर रोल करते हैं तो टायरों में रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो आप आसानी से कार को धक्का देके ले जा सकते हो क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपने कभी साइकिल की कभी सर्विस करवाई हो बचपन में? हमने तो भाई बहुत करवाई। मैंने जिंदगी की पहली साइकिल एमएससी क्लास में खरीदी थी जब मैं एमएससी में आ गया था। उससे पहले पैदल जाया करते थे 10-10 किलोमीटर पढ़ने। तो मेरे बेटा हमने बहुत साइकिल की सर्विस करवाई, लगा हो जाता था उससे। आजकल के बच्चों में तो भैया साइकिल, बाइक, स्कूटी सब आती रहती है। तो साइकिल के टायर में एक रिम होता है, यहां पर ये टायर है, यहां स्पोक्स होती है, स्पोक्स के अंदर एक एक्सेस होता है, यहां छर्रे पड़े रहते हैं जिन्हें कहते हैं बॉल बेयरिंग्स। कभी देखा हो तो, नहीं भी इसे देखा हो, नहीं समझ में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं।
यहाँ छर्रे पड़े रहते हैं लोहे के छोटे छोटे से, चमकीले चमकीले से, चिकने चिकने से। जब ये व्हील घूमता है तो एक्सेस और इसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए तो हम बीच में छोटे छोटे छर्रे डाल देते हैं जिन्हें कहते हैं बॉल बेयरिंग्स। ये बॉल बेयरिंग्स रोल करने लगते हैं और जब ये रोल करने लगते हैं तो ये फ्रिक्शन को बहुत रिड्यूस कर देते हैं और साइकिल आसानी से चलती है। यदि छर्रा कट जाए, बॉल बेयरिंग कट जाए, ये कट जाए और वो स्लाइड होने लगे, रोल की बजाय स्लाइड होने लगे, तो टायर का घूमना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच मच हायर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा कौन सा रह गया? अगला रह गया है हमारा, एक बात और बता दूं, 1 किलोग्राम वेट। पहले ये बताओ किलोग्राम वेट, गौर से बताना जिसको पता हो, किलोग्राम वेट किसकी यूनिट है, मास की या फोर्स की? जैसे बताओ माइक ओपन करके फैक्ट से बता दो, किलोग्राम वेट इज द यूनिट ऑफ किलोग्राम मास। सर मास, सर मास, मास। सुनो, किलोग्राम यदि मैं लिखूंगा तो वो मास की यूनिट है, किलोग्राम वेट लिखूंगा तो ये फोर्स की यूनिट है। इसीलिए बता रहा हूं कि बच्चे न्यूमेरिकल में बहुत गलती करते हैं। मैंने कहा 5 किलोग्राम तो मैं मास के बारे में बता रहा हूं, 5 किलोग्राम इज द मास, और मैंने कहा 5 किलोग्राम वेट, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वेट है फोर्स। कैसे है वेट फोर्स? वेट किसे कहते हो, एमजी को? वेट किसे कहते हो, एमजी को? एम है मास, जी है एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स है ना, ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स। तो एम है मास, जी है एक्सेलरेशन। कई बच्चे कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे मेरे भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स है या एक्सेलरेशन ड्यू टू थप्पड़ है, तो एक्सेलरेशन ना। तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट एक फोर्स है, तो वेट एक फोर्स है। जहां भी लिख दिया वेट तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो किलोग्राम वेट न्यूमेरिकल में आएगा, जब कल को न्यूमेरिकल चलेंगे तो उसमें किलोग्राम वेट कई जगह लिखा मिलेगा। तो किलोग्राम वेट का मतलब है फोर्स। 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। जैसे मैं कहूं 1 किलोग्राम वेट कितना है, 9.8 न्यूटन, 10 किलोग्राम वेट कितना है, 98 न्यूटन। अब क्यों, एक बात सुन, मैंने सिर पे 1 kg का मास रख लिया तो मेरे सिर पर फोर्स कितना लगेगा, 1g, mg, m है 1, तो मेरे सिर पर फोर्स कितना लगेगा, 1g, और 1 into g, यानी 1 into 9.8, यानी कि 9.8 न्यूटन। तो मैंने अपने सिर पर 1 किलोग्राम का वेट रख लिया तो मेरे सिर पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मैंने टेबल पर 1 किलोग्राम का वेट रख दिया तो टेबल पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो जहां कहीं भी आपको लिखा मिले किलोग्राम वेट तो समझ जाना कि 1 किलोग्राम वेट और कुछ नहीं, 9.8 न्यूटन का फोर्स है। अच्छा, कई बार किलोग्राम वेट नहीं बोलते, वो कहते हैं केजीएफ। केजीएफ का फुल फॉर्म है किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट एक ही चीज है। यदि मैं कहता हूं 1 किलोग्राम फोर्स तो वो भी 9.8 न्यूटन है। तो इस पॉइंट को भी खत्म करता हूं। मैंने शीट में निशान लगा लिए थे क्या क्या रह गया है जो वीडियो में भी कवर नहीं हुआ और हमने भी नहीं किया, छोड़ूंगा, कोई टॉपिक नहीं। तो 1 किलोग्राम आखिरी बार बोल के खत्म करता हूं, मैंने कहा 5 kg, तो आप समझ जाना मैं मास बता रहा हूं, और मैंने कहा 5 किलोग्राम वेट तो मैं एक फोर्स की बात कर रहा हूं जो कि 5 into 9.8 न्यूटन का है। मैंने कहा 5 किलोग्राम फोर्स तो समझ जाना मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, 5 into 9.8 न्यूटन का फोर्स। तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया। तो किलोग्राम वेट हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। अब हम आपको बताते हैं एक साइक्लिस्ट का केस, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको समझा दूं। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, 7-8 दिन हो गए होंगे, दोबारा भेजूंगा, नहीं 3-4 दिन ही हुए, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
के ऊपर वीडियो थी, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी पड़ी हुई होगी, लेकिन मैं रीसेंड करूंगा, आप कभी दूसरी वीडियो देख करके बैठ जाओ, उसे रिवाइज कर लेना अभी अभी। मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में काफी बता चुका हूं। सेंट्रीपिटल का तो डेरिवेशन भी मैंने आपको करवा रखा है, वीडियोस में अभी भी रिकॉर्डेड है। आज मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हल्का सा और बता दूं, क्योंकि मेरे अगले डेरिवेशन में उसकी जरूरत पड़ेगी। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो वो हमेशा सेंटर से बाहर भागने की कोशिश करती है, उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स महसूस होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हर बॉडी सेंटर से बाहर भागने की कोशिश करती है, क्यों करती है वो वीडियो में दिया हुआ है कि ये एक स्यूडो फोर्स है। हर बॉडी, आप खुद सोचो, यदि आप एक कपड़े को पानी में भिगा के गोल गोल घुमाते हो तो पानी का फव्वारा बाहर की तरफ भागता है। घूमती हुई बॉडी, घूमती हुई चीजें सेंटर से दूर भागना चाहती है। डिटेल में पढ़ने के लिए सेंट्रीफ्यूगल वाली वीडियो आज ही देखना। अच्छा चलो दूसरा एक उदाहरण दो, आप एक पत्थर को डोरी से बांधो और गोल गोल घुमाओ, इतना तेज घुमाओ कि डोरी टूट जाए, डोरी टूटते ही पत्थर दूर भाग जाएगा, कौन सा फोर्स उसे बाहर लेके जाएगा सेंटर से दूर? तो जवाब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हर घूमती हुई बॉडी पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगने लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अपने आप लगने लगता है, इसे लगाया नहीं जाता। जो फोर्स लगाए ना, तुम्हें पुरानी बात याद होगी, जो फोर्स हम लगाए ना फिर भी महसूस हो वो स्यूडो फोर्स है। जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कार में बैठे हो, कार वाले ने अचानक स्पीड बढ़ा दी और आप धक से पीछे को गिरे, तो क्या सच में किसी ने आपको धक्का दे दिया? नहीं दिया, लेकिन आपने फोर्स महसूस किया ना। जो फोर्स कोई ना लगाए लेकिन हम महसूस करें, दैट इज स्यूडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक स्यूडो फोर्स है। एक और एग्जांपल देता हूं, आप घर पे करके देख सकते हो। बाइक को जमीन पर लेटा दो स्टार्ट करके, लेकिन पिताजी से बच के कभी रैपट मारे आपके और गालियां दे मुझको, सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं। साइकिल को लेटा देना चल और उसको रेस दे दो, टायर घूमने लगेगा, घूमते हुए टायर पर एक कॉइन रखो, कॉइन धड़ से उड़ करके दूर भाग जाएगा, कौन सा फोर्स इसे बाहर ले गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक लास्ट एग्जांपल, पता नहीं तुम बचपन में झूलों में बैठते थे या नहीं बैठते थे, मैं बहुत बैठता था। नौचंदी में एक झूला आता था मैरी गो राउंड, हर जगह मिलता है। मैरी गो राउंड में हम बैठ करके गोल गोल घूमते हैं, फिर और तेज घूमते हैं, फिर और तेज घूमते हैं। आपने महसूस किया होगा जैसे जैसे झूला घूमने लगता है हम बाहर को फिसलने लगते हैं, और बाहर को फिसलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है एमवी स्क्वायर अपॉन आर। इन सबके प्रूफ रोटेशनल मोशन चैप्टर में आएंगे, वो तो टॉपिक जब उन्होंने यहां दे दिया तो पढ़ाना यहां है, अभी प्रूफ के चक्कर में मत पढ़ो। प्रूफ आएंगे, आपका एक पूरा सोलो चैप्टर है जिसका नाम है रोटेशन, ठीक है? फिलहाल बस ये समझ लो बाहर जो फोर्स लगता है वो एमवी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब यदि चीजों को बाहर भागने से रोकना है, क्योंकि एमवी स्क्वायर अपॉन आर इसे बाहर भगा के ले जाएगा, यदि चीजों को बाहर भगाने से रोकना है तो हमें अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ता है सेंटर की तरफ, वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो भी एमवी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचना चाह रहा है, हम इसे बाहर जाने से रोकना चाह रहे हैं। यदि आपने सेंटर की तरफ एमवी स्क्वायर अपॉन आर से कम फोर्स लगा दिया तो अंदर खींचने वाला कम, बाहर खींचने वाला ज्यादा, तो चीज बाहर भाग जाएगी। और यदि आपने एमवी स्क्वायर अपॉन आर से बड़ा फोर्स लगा दिया अंदर की तरफ, बड़ा फोर्स लगा दिया,
तो समझदार बच्चे खुद ही समझ गए, ये अंदर आ जाएगी भाई, बाहर खींचना चाह रहा है मान लो 10 न्यूटन और अंदर खींचना चाह रहा है 15 न्यूटन, तो फिर तो ये अंदर गिर पड़ेगी। तो यदि आप चाहते हो ना बॉडी बाहर भागे और ना अंदर गिरे, तो आपको हमेशा एमवी स्क्वायर बनार के बराबर ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ता है। दुनिया में हर जगह इसका यूज है। तुम्हें मालूम है अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर लगा होगा। कितना? एमवी स्क्वायर बनार। अर्थ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होगा एमवी स्क्वायर बनार। तो फिर ये अर्थ भाग क्यों नहीं जाती? क्योंकि सन ने अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और गारंटेड ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, यानी एमवी स्क्वायर बनार के बराबर है। कोई आपसे कहे कैसे? अरे भैया, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा होता तो ये अर्थ जाके सन के अंदर पड़ा होता। पिछले करोड़ों साल से तो गिरा नहीं सन के अंदर, क्योंकि ग्रेविटी खींच लेती। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स एमवी स्क्वायर बनार से छोटा होता, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होता, तो अर्थ भाग करके कहीं और चली जाती सन से दूर। पता है शुरू में जब हमारा सोलर सिस्टम तैयार हुआ तो ये सिर्फ 8 प्लेनेट नहीं बने थे। हमारा इतिहास बताता है, हमारी साइंस बताती है कि ये हजारों प्लेनेट बने थे। कुछ प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा था, वो प्लैनेट जाके सन के अंदर गिर गए। और कुछ प्लैनेट्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स कम था, वो बाहर भाग लिए, सोलर सिस्टम के बाहर जाकर के आपस में टकराए, और टकरा करके बड़ी बड़ी रॉक्स के रूप में आज भी सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमते हैं, आज भी घूमते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमारे अर्थ पर सन की उतनी ही ग्रेविटी लग रही थी, उतना ही ग्रेविटेशनल पुल था जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ना तो हमारी अर्थ सन के अंदर जाके गिरी और ना सन से कभी दूर भागी। हम सन से उतने ही डिस्टेंस पर करोड़ों साल से हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। एक बात तो पक्की है, जो ध्यान से सुन रहा होगा उसे समझ में आ रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीजों को बाहर खींचता है। अब बाहर जाने से रोकने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अब जैसे बेटा एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता होगा एमवी स्क्वायर बनार, हमेशा सेंटर से अवे, सेंटर से बाहर की तरफ लगता होगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन भाग के क्यों नहीं चला जाता? तो जवाब है, पॉजिटिव न्यूक्लियस ने निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गारंटेड एमवी स्क्वायर बनार के बराबर है। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एमवी स्क्वायर बनार से बड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में पड़ा होता, और यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एमवी स्क्वायर बनार से छोटा होता तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग खड़ा होता। ना ये अंदर गिर रहे हैं ना बाहर भाग रहे हैं, तो ये दोनों बराबर है। तभी आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास ऑर्बिट में ही घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। मैंने तो इंट्रोडक्शन दे दिया जितना हमारे फिजिक्स के अगले टॉपिक के लिए जरूरी था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण चीजें बाहर की तरफ भागती है, और वो होता है एमवी स्क्वायर बनार। आगे आपको सारा समझ में मेरे बेटा? अच्छा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स मैंने एक बात बताई थी, काइनेमेटिक्स में एक टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। वो टॉपिक ये मत सोचना सिर्फ काइनेमेटिक्स में काम आएगा, वो लॉज ऑफ मोशन के हर दूसरे न्यूमेरिकल में लगेगा, वर्क एनर्जी पावर में लगेगा, रोटेशन में, हर चैप्टर में काम आएगा, ट्वेल्थ में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने अभी तक भी ना पढ़ा हो वो तुरंत मेरे से वीडियो मांगो, मेरे व्हाट्सएप नंबर रोज लिखा रहता है और मैं आपको तुरंत वीडियो भेजता हूं। कंपोनेंट्स पहली प्रायोरिटी है, कुछ और पढ़ो या ना पढ़ो काइनेमेटिक्स में, कंपोनेंट्स जरूर पढ़ना सबसे पहले।
तो फिलहाल मैं ये देखने के लिए कि सब बच्चों को कंपोनेंट्स पता है या नहीं, मैं भी हर दूसरे दिन पूछ ही लेता हूँ, जबकि मुझे पता है कि अधिकतर जानते हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसा हो जो ना पता हो तो मुझे बताइए। यदि ये फोर्स है एफ, ये एंगल है थीटा, तो बोलो ये कौन सा होगा? ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन पर कोई पत्थर रख दो या बॉडी रख दो और वहां फ्रिक्शन ना हो तो ये फिसलने लगती है। तुमसे पूछे कितने एक्सेलरेशन से फिसलेगी तो एक बार उधर नीचे कौन लाएगा, तो जवाब है इसका वेट। गलत, इसका mg sin theta। अब बेटा माइक बंद कर दो थोड़ी देर, जब मैं पूछता हूं ना तभी ओपन करना। इसके वेट है mg, ये है वेट। पिन ड्रॉप साइलेंस, ये एंगल है थीटा, ये है इसका वेट, ये एंगल है 90 डिग्री। यदि ये थीटा ये 90, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और यदि ये 90 माइनस थीटा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। अब ये फालतू की चीजें हटाओ, कंपोनेंट का फायदा बता रहा हूं। Mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, एक कंपोनेंट यहां पर और एक कंपोनेंट यहां पर। ये कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, क्योंकि थीटा यहां पर है, और ये होता है mg sin थीटा। कई बच्चे गलती में इन्हें परपेंडिकुलर दिखाते, हमेशा mg sin थीटा और mg cos थीटा बिल्कुल परपेंडिकुलर होने चाहिए। तुमसे पूछे कि इसे जमीन पर फिसला के कौन लाएगा, तो जवाब है mg sin थीटा। ग्राउंड पर फिसला के कौन लाएगा, तो mg sin थीटा। और सरफेस को कौन दबाएगा, mg cos थीटा। अब जब सरफेस को mg cos थीटा दबाएगा तो सरफेस रिएक्शन लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो जितना फोर्स mg cos थीटा इधर लगा उतनी रिएक्शन लग गई, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, mg cos थीटा और रिएक्शन हो गए कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट। अब रह गया सिर्फ एक फोर्स, वो है mg sin थीटा, जो इसे फिसला के लाएगा। तो आपसे पूछे कि इसे नीचे स्लाइड कराने वाला फोर्स कौन सा है, तो आपका mg sin थीटा। mg sin थीटा, लेकिन सबको पता है फोर्स मां के समान होता है, F is equal to ma, फोर्स is equal to ma, फोर्स मां के समान होता है। तो F is equal to ma, तो ma से m से m कट गया, एक्सेलरेशन रह गया जी साइन थीटा, यानी कि ये जो नीचे फिसलेगा इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। काफी बातें बता दी, अब आती है असली बात, जिसके चक्कर में मैंने सेंट्रीफ्यूगल समझाया, जिसके चक्कर में मैंने कंपोनेंट्स बताए, वो सुनिए। मेरे बालक, जब एक साइक्लिस्ट सर्कुलर रोड पर मुड़ता है, एक साइक्लिस्ट सर्कुलर मोड़ पर मुड़ता है, टर्न लेता है, टर्न की रेडियस है स्मॉल आर, आर कह दो, कैपिटल आर कह दो, कुछ भी कह दो, ये रेडियस है और ये सेंटर। तुमने पता नहीं, नोटिस किया नहीं किया, वो अपनी साइकिल को झुका लेता है, साइकिल हो या बाइक हो। आप मान लो बाइक से जा रहे हो, इधर मुड़ना है तो हल्का सा इधर झुका लोगे और मुड़ जाओगे, उधर मुड़ना है तो हल्का सा उधर झुका लोगे और मुड़ जाओगे। ये क्यों जरूरी है, और क्या कितना भी एंगल झुका लेते हैं, क्या कितना भी? तो जवाब है नहीं, उसका फॉर्मूला है कितने एंगल आपको वर्टिकल से लीन करना है और क्यों करना है। एक बात बताओ, मान लो एक साइक्लिस्ट, अब मैं पूरी साइकिल तो बना नहीं सकता, कोई मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूं, ये एक साइकिल है, मान लो ये एक साइकिल है, अब जो भी लग रहा है
पिवट गए, डब्बा सा रखा, अब जो भी है साइकिल है। जब ये साइकिल यहां से चलती हुई आएगी तो इस पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? तो जवाब है नीचे की तरफ काम करेगा mg, जो जमीन को दबाएगा, यहां लगेगी रिएक्शन, जब ये ग्राउंड को दबाएगा तो ग्राउंड रिएक्शन लगाएगी, इक्वल है ना अपोजिट, और क्योंकि ये घूम रहा है तो सेंटर से अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये स्मॉल r और कैपिटल r अलग अलग है, स्मॉल r है रेडियस, कैपिटल r है रिएक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर खींचेगा लेकिन रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। जैसे तुम बताओ अर्थ जब सन के चारों तरफ घूम रही थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बाहर खींचा तो सन की ग्रेविटी ने रोक लिया। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बाहर खींचा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ने रोक लिया। यहां पर कौन रोकेगा? कोई फोर्स ही नहीं है रोकने वाला, तो साइक्लिस्ट बाहर को गिर पड़ेगा। यदि वो साइक्लिस्ट अपनी साइकिल को ना झुकाए, गिर पड़ेगा। अब वो साइक्लिस्ट करता क्या है, जाने अनजाने खुद ही हो जाता है, वो अपनी साइकिल को झुका लेता है वर्टिकल से थीटा एंगल पर। उसने साइकिल झुका ली, लीन कर ली, बेंड कर ली, टिल्ट कर ली, इंक्लाइन कर ली थीटा एंगल पर। अब जब वो साइकिल को टेढ़ा कर लेगा तो देख, यदि पैन सीधा रखोगे तो जमीन को सीधे दबाएगा, पैन टेढ़ा रखोगे तो जमीन को इंक्लाइन पुश करेगा। तो ये साइकिल अर्थ को इंक्लाइन पुश करती है, इंक्लाइन पुश करती है, टेढ़ा दबाती है, तो अर्थ उस पर रिएक्शन भी इंक्लाइन लगाती है। ये सीधी होती तो अर्थ को सीधा पुश करती, टेढ़ी हो गई तो अर्थ को इंक्लाइन पुश करेगी, और इंक्लाइन पुश करेगी तो रिएक्शन उसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब इस रिएक्शन के कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ये ऊपर की तरफ r cos थीटा और इधर की तरफ r sin थीटा। कारण आपको मैं पहले से बताता आ रहा हूं, r cos थीटा रिएक्शन का कंपोनेंट और r sin थीटा रिएक्शन का कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और कौन कौन से फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r, और बॉडी का वेट है mg। तो आपने देखा रिएक्शन के कंपोनेंट हो गए r cos थीटा, r sin थीटा, mg और mv स्क्वायर अपॉन r। यदि साइक्लिस्ट गिरना नहीं चाहता तो आमने सामने के फोर्स बराबर होने चाहिए। mg चाहता है नीचे गिर जाए, r cos थीटा चाहता है ऊपर उठ जाए। यदि mg बड़ा हो गया r cos थीटा से तो ये साइक्लिस्ट जमीन पे गिरेगा, और यदि r cos थीटा बड़ा हो गया mg से तो ये साइक्लिस्ट ऊपर को उछलेगा। यदि हो गया इसी तरह से, यानी कि ना तो mg बड़ा होना चाहिए ना r cos थीटा, दोनों बराबर होने चाहिए। r cos थीटा बराबर mg, हमें इतना झुकाना है कि r cos थीटा mg के बराबर हो जाए। इसके अलावा हर हाल में r sin थीटा mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होना चाहिए। अब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि mv स्क्वायर अपॉन r बाहर खींचना चाह रहा है, यदि ये बड़ा हो गया तो साइक्लिस्ट बाहर फिसल जाएगा, बाहर फिसल जाएगा। तो ये बराबर होने चाहिए, r sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? mv स्क्वायर अपॉन r के। दो कैपिटल r और स्मॉल r अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल आर है रिएक्शन, स्मॉल आर है रेडियस, दोनों को डिवाइड कर दो तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कट गया टेन थीटा, एम से एम कट गया वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई जी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये फॉर्मूला है कितना झुकाना पड़ेगा, कितने एंगल उसे लीन करना पड़ेगा। हर वेलोसिटी के लिए अलग एंगल होता है, जिसकी वेलोसिटी अलग ज्यादा होगी तो थीटा ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी थीटा कम होगा। अब सोच मेरे बालक, हमारा दिमाग कितना बड़ा कैलकुलेटर है। आप
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से जा रहे हो, मोड़ पे मुड़ते हो, झुकाते हो, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, मोड़ पे मुड़ते हो, झुकाते हो, लेकिन आप जाने अनजाने सही एंगल पर झुकाते हो, जितने एंगल पर झुकाना चाहिए। ये प्रैक्टिस होती है बचपन में, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो बहुत बार गिरे होंगे, पीछे पापा या भैया पकड़ पकड़ के भाग रहे हैं, धड़ाम से गिर गए कि क्या हुआ, दांव दिया, होता है। वो इसलिए होता है कि उस समय हमारे दिमाग को ये नहीं पता होता कि मोड़ पे कितना एंगल झुकाना है, वो गलत एंगल झुका देता है। कभी एमजी बड़ा हो जाता है आर कॉस थीटा से तो नीचे गिर पड़ते हैं, कभी एमवी स्क्वायर अपन आर बड़ा हो जाता है आर साइन थीटा से तो बाहर फिसल जाते हैं। बहुत बार होता है जब नया नया कोई सीखता है साइकिल या बाइक, गिरते हैं, और वो इसीलिए गिरते हैं क्योंकि सही एंगल का पता नहीं होता। तभी कहा जाता है कि जितनी कम वेलोसिटी रखोगे उतने कम एंगल पर झुकाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी रखोगे उतने ज्यादा एंगल पर झुकाना पड़ेगा। शायद कभी तुमने मोटरसाइकिल रेस देखी हो टीवी वगैरह में, या लाइव देखने का मौका मिला हो किसी स्टेडियम में, जरूर देखी होगी। तुमने देखा होगा जब टीवी पे हम मोटरसाइकिल रेस देते हैं तो किनारों पर जब मोड़ आता है तो मोटरसाइकिलिस्ट बिल्कुल जमीन से चिपक जाता है, उसका घुटना भी जमीन को छूने लगता है, कारण उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है तो उसे बहुत ज्यादा एंगल झुकाना पड़ता है। हाई वेलोसिटी पे हाई एंगल, हाई वेलोसिटी पे हाई लार्ज एंगल। अब वो वेलोसिटी कम करे तो रेस हार जाएगा, वेलोसिटी वो कम नहीं करना चाहता, वेलोसिटी हाई रखता है तो एंगल भी हाई रहता है, वो ज्यादा एंगल झुकाता है, बहुत ज्यादा झुकता है। इसके अलावा रेडियस पर भी डिपेंड करता है, कई मोड़ बहुत तीखे होते हैं ऐसे और कई मोड़ इस तरह के होते हैं, यानी कुछ मोड़ कम रेडियस के होते हैं और कुछ मोड़ ज्यादा रेडियस के होते हैं। जहां रेडियस कम होगी वहां ज्यादा एंगल झुकाना पड़ेगा और ज्यादा एंगल झुकाने से अनसेफ हो जाते हैं, तभी कहते हैं ज्यादा छोटी रेडियस के मोड़ नहीं मोड़ने चाहिए, क्योंकि यदि कम रेडियस में मोड़ मोड़ोगे तो थीटा ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी वर्टिकल से ज्यादा झुकाना पड़ेगा, और वर्टिकल से जितना ज्यादा झुकाओगे उतना अनसेफ तो हो ही जाओगे ना। यदि बड़ी रेडियस का टर्न लेते हो, लार्ज रेडियस का टर्न लेते हो, तो कम एंगल झुकाना पड़ेगा और सेफ रहोगे। तो एंगल कम करना हम चाहते हैं, तो यदि आप एंगल कम करना चाहते हो तो क्या करो, एक तो वेलोसिटी कम रखो मोड़ों पर और रेडियस ज्यादा रखो। तो भी कहते हैं ना कि एकदम से कट नहीं मारना चाहिए, थोड़ा बड़ा सा कट लेकर के आओ तो सेफ रहोगे। तो ये हो गया, और कौन सा टॉपिक रह गया बेटा, साइक्लिस्ट हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। अब एक चीज और बता दूं, शायद वो वीडियो में नहीं है और फिर इसके बाद वीडियो भेज दूंगा मैं आपके पास, और एक चीज और कह रहा हूं जितने बोर्ड में डाल रहा हूं मेरे बेटा, जो वीडियो जिस दिन भेजा करो उसी दिन रिवाइज करके डाउट पूछा करो। यदि आप इकट्ठी करते चले जाओगे तो एक समय इतनी सारी वीडियो इकट्ठी हो जाएंगी कि फिर आपके लिए उन्हें कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यदि आज मैं दो वीडियो रिवाइज करने को भी कह रहा हूं और आप सोचते हो कि हमने पढ़ ली, अरे पढ़ ली मेरे लाल, किसी कारण से कह रहा हूं रिवाइज कर लो, चीजों को बार बार पढ़ने से वो पक्की होती चली जाती है, चीजों को बार बार पढ़ने से। मेरे बेटा सड़कों पर जब कारें मुड़ती हैं तो कैसे होता है, कारें मुड़ती हैं तो कैसे होता है, साइकिल वाले ने तो झुका लिया, बाइक वाले ने झुका लिया, स्कूटी वाले ने झुका लिया वर्टिकल से। अब मान लो मोड़ पर कार आ गई, कार तो झुका नहीं सकती, तो क्या होगा, फिर कौन इसे फिसलने से रोकता है? तो जवाब है कार का वेट नीचे की तरफ काम करेगा और अर्थ की रिएक्शन ऊपर की तरफ। जब इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचेगा तो रोकेगा कौन,
तो जवाब है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन रोकता है बेटा? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन से टायर गर्म हो जाते हैं। तुम्हें तो मालूम है जब दो चीजें रगड़ती हैं, हाथ को रगड़ के देख अभी गर्म हो जाएगा ना, फ्रिक्शन से बनती है हीट, तो टायर गर्म हो जाते हैं और टायर गर्म होने से बनती है हीट। और यदि टायर गर्म होने से बनती है हीट तो मेरे बेटा उस हीट से टायर की रबड़ पिघलने लगती है और जमीन पर घिसट जाती है और टायर बेकार हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन से टायर बहुत खराब होते हैं। तुमने देखा होगा मोड़ों पर गाड़ी के टायर्स के बहुत निशान होते हैं, रेस ट्रैक पर जाके देखो मोड़ों पे बहुत निशान होते हैं, उसका कारण यही है। अब हमारे साइंटिस्ट चाहते थे कि फ्रिक्शन का रोल ना हो। चल अच्छा मैं बता दूं कि इसमें कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से वो जा सकता है। तुम्हें मालूम है आमने सामने के फोर्स बराबर होने चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन तो बराबर होना चाहिए एमवी स्क्वायर अपॉन आर के, यदि आप चाहते हो सुरक्षित रहे, और रिएक्शन होनी चाहिए एमजी के। तुम जानते हो वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, वेलोसिटी और ज्यादा लगेगी तो फ्रिक्शन और ज्यादा होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा। कल मैंने बताया था फ्रिक्शन लिमिटिंग, फ्रिक्शन से आगे बढ़ नहीं सकता, तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। डिवाइड कर दो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो होता है म्यू आर, म्यू आर अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर से आर कट गया तो म्यू का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे वो तुमने बताएंगे कि भाई म्यू की वैल्यू इतनी है, रेडियस इतनी है, वेलोसिटी बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो जब न्यूमेरिकल आएंगे तब का तब बताऊंगा। एक साथ दो दो चीजों की बात नहीं करनी चाहिए, थ्योरी तो पक्की हो। पता है मेरी नजर में बेवकूफ बच्चे होते हैं जो थ्योरी को करे बगैर सीधे न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल तब करने में मजा है जब थ्योरी के हर चीज बिल्कुल उधड़ी पड़ी है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब सुनो फ्रिक्शन से बचने का उपाय क्या है? क्या हम फ्रिक्शन से बच नहीं सकते, बिना फ्रिक्शन का सहारा लिए नहीं मुड़ सकते? तो जवाब है मुड़ सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या किया जाता है, सड़क का बाहरी किनारा अंदर वाले किनारे से कुछ ऊंचा उठा दिया जाता है जिसके कारण रोड इंक्लाइंड हो जाती है, रोड टेढ़ी। देख भारत में तो बहुत कम सड़कें ऐसी हैं जो मोड़ों पर टेढ़ी होती है, लेकिन कभी आप नोएडा के ब्रिज पर जाओ, जो अब नए नए ब्रिज बन रहे हैं, जैसे ही मोड़ आता है सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, जैसे ही मोड़ आता है तो हल्के से वो टेढ़े हो जाते हैं, उनका बाहरी किनारा ऊपर को उठा देते हैं। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, ये वीडियो मैंने बना रखी है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, थोड़ी बड़ी फिगर बना दी मैंने जिससे आपको दिखाई दे। जब कार यहां पर पहुंचती है तो कार ग्राउंड को, कार यहां पे कौन कौन से फोर्स है, नीचे है एमजी, सुन रहे हो, नीचे है एमजी जिसके कंपोनेंट अभी अभी पढ़ाए थे एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा। ये कॉस था, एमजी कॉस थीटा, मैं दोबारा नहीं बता रहा ये कैसे आया था, एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा, ये लॉजिक वही वाला है। वेट के दो कंपोनेंट, ये रोड के परपेंडिकुलर है और ये रोड के पैरेलल है। अब ये है सर्किल का सेंटर जिसके चारों तरफ ये घूम रही है, तो सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एमवी स्क्वायर अपॉन आर। सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एमवी स्क्वायर अपॉन आर, समझ में आ रहा है ना? अब ये एमवी स्क्वायर अपॉन आर
और ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब mv स्क्वायर अपॉन r के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर एक इधर, mv स्क्वायर अपॉन r के दो कंपोनेंट हो गए, एक यहां और एक यहां। ये कंपोनेंट कौन सा है? mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा, क्योंकि थीटा ऊपर की साइड है, mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। और ये कंपोनेंट कितना है? mv स्क्वायर अपॉन r sin थीटा। और ग्राउंड ने लगा रखी है रिएक्शन। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊं और खत्म करूं। पिछली बार फ्रिक्शन को इसे फिसलने से रोकना पड़ा था, अब की बार फ्रिक्शन को नहीं रोकना पड़ेगा। मुझे बताओ नीचे कौन खींचना चाह रहा है, कौन चाह रहा है ये नीचे फिसल जाए? mg sin थीटा, mg sin थीटा। और ऊपर कौन फिसलाना चाह रहा है? mg स्क्वायर mg स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। यदि आप चाहते हो ना नीचे फिसले ना ऊपर फिसले तो दोनों के दोनों बराबर इक्वल इक्वल, mg sin थीटा इक्वल होना चाहिए mg स्क्वायर अपॉन r cos थीटा के, है ना? m से f काट दो, mg sin थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। नहीं, cos थीटा को sin के नीचे ले गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला है ऑप्टिमम वेलोसिटी का, पुल के ऊपर इतनी वेलोसिटी पे चलाना चाहिए। v स्क्वायर को लिख सकते हैं rg tan थीटा, और v हो जाता है अंडर रूट rg tan थीटा। यदि आप इस वेलोसिटी से चलाओगे तो टायर में फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन कब होता है? जब चीजें फिसलने की कोशिश करती हैं, फ्रिक्शन उसे रोकता है। हर ब्रिज या हर सड़क एक खास वेलोसिटी के लिए बनाई होती है, हर वेलोसिटी के लिए अलग थीटा। तो ब्रिज बनाते समय वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए ब्रिज का एंगल डिजाइन करते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी। अब यदि हम ऑप्टिमम वेलोसिटी से ज्यादा या कम पर चलाए तो क्या होगा? फ्रिक्शन का इसमें क्या रोल है? क्या इन इस तरह की सड़कों पर फ्रिक्शन नहीं लगता? ये जानने के लिए पहुंच जाइए सीधे ग्रुप में, जहां मैं इसकी वीडियो आपके पास भेज रहा हूं रिवीजन के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, कल को फिर मुलाकात होगी लाइव क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक सेकेंड, एक सेकेंड।